हमारे चैनल एशिया एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करें, और हाँ, दूसरों को भी शेयर करें। ईमानदारी के साथ मेहनत की है, मजलिस के जितने भी चाहने वाले वर्कर्स है पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो 44 सीट्स हम 44 सीट जो लड़ रहे हैं इसके ऊपर कड़ी मेहनत पिछले कई दिनों से करते आए हैं। सारी कोशिशें की गई कि MIM का कैंडिडेट नहीं जीतना चाहिए, विशेषकर औरंगाबाद में जहां पर NCP के कैंडिडेट ने पूरी ताकत लगा दी, पूरा पैसा लगाया, और ये पैसा हमें जानकारी मिली है कि ये सेना और भाजपा की तरफ से पहुंचाया गया था इन्हें कि ताकि MIM का वोटिंग परसेंटेज कम किया जाए, MIM यहां से जीत नहीं पाए और उसका सीधा फायदा शिवसेना को मिले। इसके लिए हर तरह की कोशिशें की गई, लेकिन उसके बावजूद भी हमें पूरा यकीन है कि बहुत अच्छे नतीजे MIM के आएंगे। सर, दोपहर में भी कुछ MIM के कार्यकर्ताओं के साथ कुछ नाराजगी? देखिए, कल रात से ही इस तरह की हरकतें की जा रही थी कि करोड़ रुपया ये लेके आए थे और रात भर ये पैसों का खेल चलता रहा कि अलग अलग इलाकों के अंदर जाना, और वो इलाके जो हमारे अपने गढ़ है वहाँ पे जाकर बच्चों के अंदर पैसे बांटना और हमारा वोट किस तरह से बांटा जा सकता है इसकी कोशिश। हम शुरुआत से ही कह रहे थे कि NCP यहाँ पर जीतने के लिए नहीं खड़ी है, MIM को हराने के लिए ये पूरी ताकत लगा रहे थे। और सुबह जब वोटिंग शुरू हुई और उन्होंने देखा कि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी लोग जो है वो MIM के साथ ही खड़े हैं, वोट वो MIM को ही दे रहे हैं, तब उन्होंने है तो वायलेंस के ऊपर उतर आए, वो मारपीट शुरू कर डाले। दोपहर में 3 बजे वो मोमिनपुरे के हमारे एक बूथ के ऊपर गए, वहाँ पे हमारा जो सेंटर था, पोलिंग सेंटर, वहाँ पे जाके फर्नीचर का तोड़फोड़ किए, वहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, हथियारों से लैस थे, और ये पूरा CCTV फुटेज के अंदर कैद है। हमने पुलिस को उसी वक्त इन्फॉर्म किया था कि आप इनको कंट्रोल करिए वरना सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन उस वक्त कंट्रोल नहीं हुआ तो बाद में वो लोग दूसरे इलाके में गए, वहां पर जाके हमारे कार्यकर्ताओं को मारपीट करना शुरू कर डाले, और हद उस वक्त तक हो गई जब वो हमारे कैंडिडेट के ऊपर भी हमला करने की कोशिश करे, तो हमने सोचा कि नहीं, अब ये बहुत ज्यादा हो गया है। तो जब मैं उनको समझाने के लिए गया तो दोबारा हमारे ऊपर फिर हमला करने की कोशिश किए, लेकिन वहां पर पुलिस मौजूद थी और पुलिस ने वहां पे लाठीचार्ज कर दिया। आगे की क्या भूमिका है? देखिए, हमने पुलिस वालों को समय दिया है कि अगर इस तरह का गुंडा राज अगर चलते रहेगा और आप अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम तो खामोश बैठने वाले नहीं है, क्योंकि अगर इतना क्लियर CCTV फुटेज में होने के बावजूद भी अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, एक्शन नहीं ले रही है, तो हमको ऐसा लग रहा है या तो सत्ताधारी पक्ष ने बोल रखा है कि इनको खुली छूट दे डालो, ये पूरी गुंडागर्दी करते रहेंगे और MIM को हरवाने के लिए इनको जो जो मदद कर सकते हैं वो करने की, लेकिन हमने पुलिस वालों को समय दिया है, इतना समय तक अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे की जो भी कार्रवाई होगी हम हमारे वर्कर्स के साथ बैठ के तय करेंगे। सर, सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि आप पर भी हमला, इम्तियाज जलील के ऊपर हमला करने की इनकी औकात नहीं है, इनकी ताकत नहीं है, और ये ख्वाब में भी नहीं सोचना कि इम्तियाज जलील के ऊपर औरंगाबाद में ये हल्ला कर सकते है करके। तो जो भी होगा उसके अंदर ये हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं, अकेले में लेके जा रहे हैं, उनकी पिटाई उटाई कर रहे हैं, लेकिन अगर ख्वाब में भी अगर ये सोच रहे होंगे कि इम्तियाज जलील के ऊपर हल्ला, तो बोलना अगले जन्म में आना फिर मुलाकात। CCTV फुटेज है काफी सारा वहाँ पर, इखरा स्कूल का जहाँ सभी घटना चल रही थी, तो क्या ये मामला? देखिए, हम चाहेंगे कि पुलिस वालों को जो जो CCTV फुटेज मिला है उसके ऊपर देखे, अच्छी तरह से समझ ले, और जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करे उस पर। अगर हमको, हमने ये थोड़ी बोला है कि कार्रवाई नहीं करे करके, अगर उसके अंदर कोई लगता है कि हमारे, लेकिन इस तरह पुलिस के सामने CCTV फुटेज के अंदर होने के बावजूद भी अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम क्या समझे, औरंगाबाद की जनता क्या समझे उसमें, इस तरह का ये गुंडा राज चलता रहेगा करके उसमें। हम तो पहले से ही कहे थे कि हमको ये खुद जीतने के लिए नहीं आए थे, इनकी मंशा सिर्फ शुरुआत से यही थी कि हमको हराया कैसा जाए करके, और वो हराने के इरादे से ही आए थे कि किस तरह से माहौल खराब किया जाए, थोड़ा टेंशन क्रिएट किया जाए ताकि जो लेडीज है वो घरों के बाहर नहीं निकले वोट डालने के लिए। ये सुबह से इनके यही हथकंडे अपनाए जा रहे थे, लेकिन हमने पहले से ही बोल रखा था हमारे कार्यकर्ताओं को कि हमको इलेक्शन जीतना है और किसी भी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। तो मैं तो शुक्र अदा करता हूँ हमारे पूरे कार्यकर्ताओं के, उन्होंने इतना संयम बरता और संयम बरतने की वजह से आज इतने अच्छे माहौल के अंदर हुआ, लेकिन ये जो कार्रवाई इन लोगों ने किए है, गुंडागर्दी इन लोगों ने किए है, कहीं ना कहीं इनके ऊपर रोक लगनी चाहिए, ये हमारी मांग है। आप वहाँ गए उसके बाद